हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं मुगलई चिकन मसाला। वाह, मजा सुन के ना अभी को वापस। मुगलई चिकन मसाला एकदम ग्रेवी वाला ठीक होगा या फिर मसालेदार? नहीं, मसालेदार ठीक ही होगा, मतलब एकदम पतला सालन नहीं होगा, ग्रेवी अमीरों का सालन। आज भाई एकदम ठीक वाली ग्रेवी बनने वाली है, एकदम मुगल स्टाइल। इसका नाम ही मुगलई। मजा आएगा खाने में, खा के देख लेना। हाँ, तो मतलब अभी कब बनाने का सालन, जैसे भी लोगों को तुम बता रहे हो ये सालन डेली वाला है? डेली बेसिस पे ही बना के खा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है और ना ही इतना कोई ज्यादा महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो स्पेशल ये सालन आप लोग बना के सर्व करना। यही मैं सुनना चाहता था कि भाई आप भी अपने मेहमानों के लिए ये सालन बना सकते हो, मुगलई चिकन। चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जब भी मुगलई चिकन है ना, बस मुगलई चिकन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पीसे हुए टमाटे, कोथमीर, केचप, नींबू, हरी मिर्ची, कसूरी मेथी, चार मगज, काजू, दही, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। खड़े गरम मसाले में लेंगे हम जीरा, काली मिर्च, फूल, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता। यहाँ लेंगे हम जीरे की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने चिकन ली हूँ आधा किलो, या आधा किलो से एक दो बोटी ज़्यादा ही होगी। मैंने वजन नहीं की, मैं फ्रिज में से निकाल के डायरेक्टली किया गई। ये 600 ग्राम के आसपास होंगी। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन। हमारी फ्रिज चिकन देती है। हमारी चिकन ना फ्रिज में हमेशा रखा रहता है, इसके लिए। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक नींबू का जूस अखा। अच्छा, ही बॉल भी लेके आया। अच्छा, ये शाही बॉल बहुत दिन का घर में ही रखे हुआ है बेटा, मैं लेके नहीं आई। तो यहाँ पर मैं एक अखा नींबू का जूस इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी आधा चम्मच से भी कम काली मिरी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के नमक और इसको अभी अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे। इसको हाथों की मदद से मिला के हम, मैं अभी रखने वाली हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा रखना, अच्छा रहता है। नमक और अदरक लहसुन मिला के रखना बहुत अच्छा है। मैं तो फ्रिज में जब भी चिकन ला के धो के रखती हूँ ना घर में पकाने के लिए, तो मैं ये लगा कर फिर अंदर रख देती हूँ। फिर मैं कल बनाऊँ, परसों बनाऊँ, जब भी निकाल के बनाना है तो हमको ये धोने की ज़रूरत और गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चिकन हमारा गला हुआ होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा काम। अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट। जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिए है एक चम्मच भर के चार मगज और यहाँ पे ली हूँ 10 काजू। तो हम इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये काजू और चार मगज पीस ली हूँ बारीक और 15 से 20 मिनट हो गया है चिकन को रख के। हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए है गरम होने के लिए। 3 साल पुराने नहीं रे, 3 कैसा बोलता। देखो यहाँ पर मैं इसमें तेल डाल दे रही हूँ, ये 100 ग्राम तेल है, आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तेल को थोड़ा सा गरम होने देती हूँ। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी गरम मसाले। यहाँ पर मैंने फूल ली हूँ, 2 से 3 लौंग ली हूँ, 1 बड़ी इलायची ली हूँ और 4 छोटी इलायची ली हूँ, दालचीनी का भी एक छोटा सा टुकड़ा ली हूँ और 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिरी और आधा चम्मच जीरा। इसको ज़रा तड़क में देंगे, गरम मसाले की खुशबू तेल में अच्छे से आ जाएगी ना, तो पूरे सालन में अच्छे से खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे गरम मसाला अच्छे से तड़क गया है, यहाँ डालूंगी मैं प्याज। तो प्याज मैंने एकदम बारीक 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 चॉप कर ली हूँ, एकदम बारीक, ताकि ये जल्दी से लाल हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा लाल लाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने चिकन में भी 1 चम्मच मिलाए थे
और यहाँ पे मैं मसाले में भी एक चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको एक 10-20 सेकंड में पका लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी थोड़ा सा पक जाए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा पका ली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, मुर्गी का ना चिकन किसका होता है बेटा? अंडे का। देख रहे आप लोग, यहाँ पे मैं काली मिरी और अदरक लहसुन का जो भी पेस्ट था वो भी अंदर डाल दूँ। अभी मैं इसको 1-2 मिनट पका लूँगी अदरक लहसुन और गरम मसाले में, ताकि चिकन में भी अच्छे से गरम मसाले की और अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट अच्छे से पका ली हूँ अदरक लहसुन और गरम मसाले में और प्याज में। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी की बुक्की, 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हम तीखी वाली मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच भर के हम डालेंगे धनिया की बुक्की और 1 चम्मच भर के डालेंगे हम जीरे की बुक्की। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ ये 2 चम्मच भर के केचप। पिज्ज़ा बना रहे क्या? हाँ, इसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है, डाल के देखना सालन में। वो टाइम पे केचप था क्या? हाँ मैं क्या वो टाइम पे केचप था क्या? टमाटो प्यूरी आती थी, उन लोग गुड़ डालते थे या उन लोग अलग अलग तरीके का यूज करते थे खट्टा मीठा करने। आजकल के जमाने में सब रेडीमेड आ गया है ना एकदम ताबड़तोड़। तो यहाँ पर मैं अभी इसको ये मसाले में 2 मिनट पकने दूंगी। अब भी से ही अच्छा दिख रहा माशाल्लाह, शोरमे का चिकन लग रहा है ना। तो चलो 3-4 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए टमाटे। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्ची ली हूँ, इसमें बीच में चीरा लगा ली हूँ, हम ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे डालेंगे हम टमाटे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटे ली हूँ लाल लाल, उसको मैंने पीस ली हूँ अच्छे से। अब हम ये टमाटे अच्छे से इसका भी पानी सूखे तक और चिकन का पानी सूखे तक इसको पकने देंगे। ये सब मसाला भुने भुने तक ही हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। चिकन गलने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट में चिकन गल जाता है अच्छा खासा। तो अब मैं इसमें टमाटे डाल दी हूँ। अब मैं इसको फिर से ढक के 5 मिनट पकने रख दूँगी टमाटे का पूरा पानी सूखे तक। तो चलो देखते हैं, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे मेरा चिकन का भी पानी सूख गया है और जो टमाटे डाले थे उसका भी पानी सूख गया है ना। तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा काजू का पेस्ट लिए ना हमने बना के, काजू 4 मगज ये इसमें ऐड करेंगे। और काजू जलता है नीचे, इसके लिए हम लास्ट में इसमें ऐड करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये 100 ग्राम के इतनी दही, ताकि इसका भी पानी छूटे तो हमारा काजू जले नहीं नीचे ऐसा। अब इसको मिला लेंगे मस्त। अब पूरा दही का कच्चापन इसमें से चले जाए जब तक मैं इसको पकाऊंगी, यानी कि अभी और 5 मिनट मैं इसको पका लूंगी। इसको 5 मिनट पका के बताती हूँ आपको, ठीक है। तो चलो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अच्छे से हमारा दही और हमने काजू वगैरह डाल के इसको पका लिए है माशाल्लाह। तरी भी छोड़ दिया है, यहाँ पे चिकन भी हमारा आधे से ज़्यादा गल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चक्के देखी हूँ थोड़ा सा नमक कम है, तो यहाँ पे अभी हम डालेंगे थोड़ा नमक। आप लोग भी लास्ट में थोड़ा सा नमक चख लिया करो, नमक कम या ज़्यादा मालूम पड़ जाए तो ऐड कर लेना। अब हम डालेंगे इधर 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ी अब यहाँ पर मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसको अभी 5-7 मिनट और पकने दूँगी, ताकि जो भी हमारी चिकन की रही सही कसर है वो पूरी अच्छी तरीके से गल जाए। और आपको जितना गाढ़ा रखना है कितना पतला रखना है ये आपके ऊपर है। हाँ, इसको आप इससे ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको 5 मिनट इसी तरीके से पकने दूंगी ढक के।
तो इसमें पानी डाल के मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से पका ली हूँ माशाल्लाह। ओहो हो, तरी भी जम गई है ऊपर और माशाल्लाह मेरा सालन की खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। बस अभी मैं यहाँ गैस स्लो करूँगी और यहाँ का मैंने गैस जला के फ्राई पैन इस पर रख दी हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है ना, हम ऐसा ही इसको ऐसा क्रश करेंगे ना तो ये नहीं होती है, ये पूरी गोल हो जाती है ना। तो बहुत से लोग इसको ऐसी ही डालते हैं, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है वैसी डालने में। लेकिन ये जो है ना, ये मैं हल्का सा इसको गर्म करूँगी तो ये कुरकुरी हो जाएगी, तो ये फटाफट हाथों से मसल के चूरा हो जाएगी और खुशबू भी अच्छी आती है ना। खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट इसको सेक ली हूँ कसूरी मेथी को और प्लेट में निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए। देखो अब मैं इसमें डालूंगी, आपको बताती हूँ ये कितनी अच्छी कुरकुरी हो गई है। अब ये गोल नहीं होंगी हाथों में, ये अच्छे से पाउडर बन जाएगी एकदम। और ये ना इससे खुशबू बहुत मस्त आती है हमारे सालन में। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। यहाँ पर हमारी मुगलई चिकन ग्रेवी हो गई है रेडी, मस्त खुशबू भी आ रही है और जायके में ये एक नंबर है। पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ या जीरा राइस के साथ। तो यहाँ पे मुगलई चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना मुगलई चिकन ग्रेवी। हाँ, मसाला आज मैंने प्लेट में भी नहीं निकाली, कटोरी में भी नहीं निकाली। तो मेहमानों के लिए थोड़ी ना ऐसा देते, ऐसी दे देते, लो भाई अपने ऐसे ले लो खा लो। कटोरी भी नहीं निकाली, कुछ नहीं, टोक उठा के बता। लेकिन सही में देखो ना यार, क्या मस्त ठीक ठीक ग्रेवी बनी है एकदम। हाँ, मसालेदार। क्योंकि ना ये ना जब उतरती है ना गैस पे से तो ये और ठीक होती है। आज मेहमान हूँ मैं, काले बेटा काले। ठंडी की बोतल, ठंडा पानी दी ना, ज्यादा गर्म का नहीं। देखे सर पे चढ़ रहा, ठंडी की बोतल किधर है? नीचे देती हूँ ना, ठंडा बंद कर दूंगी वो भी। अरे दे बेटा, मजाक किया था, मजाक किया। ओहो ये देखो आधा लेग, आधा लेग खा ले, खा ले ऐसे ही खा। क्या मस्त है भाई, सही बोलो ना, स्ट्रीट फूड जाएगा पे बहुत दिन के बाद बना है। हाँ बराबर, ऐसा चिकन एकदम शाही वाला। और ये सही में आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हो, क्योंकि ये जो क्रीमी वाला सालन है ना, मुझे जो पतला सालन आता है ना करी वाला, उससे ज्यादा ये अच्छा लगता है। जैसे अपने औरंगाबाद में मांडे का सालन हुआ और नान खलिया हो गया। देखो नान खलिया फेमस है, लेकिन कहीं ना कहीं ना मुझे वो जो तरी वाला पतला सालन होता है ना, जो एकदम शोरबे टाइप, उससे ज्यादा अच्छा ये लगता है क्रीमी वाला। मतलब काजू बादाम क्रीम। तो चलो कैसा बना ना, ये लो पहले अपन खाएंगे मसाला। एक नंबर मसाला भी और चिकन भी, टेस्ट भी अलग है। हमें मुझे इसमें लबाबदार का टेस्ट लग रहा है ना, दिल खुश हो गया। हाँ खाते साथ ये देखो चिकन, चिकन तोड़ेगा, मसाला लेगा, लपटेगा, फिर खाएगा। मसाला भी बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखो देखो वो दिन के बाद ऐसा बड़ा बाइट ले रहा हूँ, बड़ा वाला बाइट। वो भी क्रीमी सालन है ना, एकदम मस्त वाला। आओ बिस्मिल्लाह करते। मजा आया, मेहमान खुश मेरा मेहमान खुश हो गया, बस हो गया। नहीं मैं बता लो कि आप अपने मेहमान को बना के देगा ना वो खुश। सच में एक बार जरूर बनाना, जो भी मेहमान घर पे आएगा ना दिल से दुआ देके जाएगा, इतना अच्छा खाना। अगर मेहमान दुआ नहीं देगा तो मेहमान की अतड़ियां जरूर दुआ देंगे। अरे बाप रे, क्योंकि ना देखो कभी कभी ना इंसान दुआ नहीं देता खाके, लेकिन उसकी पेट की अतड़ियां। वैसे ये डायलॉग कहां से आता है? अभी अपन खुद से खाना नहीं खाते ना तो घर वाले बोलते अरे खाना खा ले तेरी अतड़ी बधवा देगी। कुरान नहीं पढ़ता होगा, हदीस नहीं पढ़ता होगा। पेट की अतड़ियां दुआएं देती है, तो भूखे को खाना खिलाते ना तो रिवर्ड में उसकी कुछ आस नहीं करते, उसकी अतड़ियों की दुआ लगती है, तो कहीं ना कहीं वो काम आती है। बदुआ भी देती है, सॉरी। इसलिए किसी की दुआ लेना बोलते ना बहुत अच्छा होता है। बुलाता रहोगे मेहमान को, फोन निकालोगे मेहमान सबको बुला, दुआ लेते रहोगे। बाहर बिना बुलाए आ जाते, परेशान हो जाएगा तुम।
इतनी दुआएं देने वाले आ जाएंगे, बुलाओ क्या? मैं तो ऐसे पकड़ लेता रास्ते में, अम्मी क्या अम्मी हम लोग को बुलाते नहीं खाने, अरे बेटा एक कढ़ाई में कितने जन को बुलाऊंगी इतने में खाने के लिए। हमारे आसपास के लोग भी होते क्या मुमताज भाभी क्या मुमताज पापा अकेले अकेले खाते अच्छा अच्छा पका के थोड़ा हम अभी देखो करेला बनाए थे लास्ट वीडियो में तो बांटना जितना जरा ऐसे जो बोलता है लोगों मैं बोले कुछ अच्छा बोल रहा हूँ करेला बनाए थे तो ऐसे लोग जो बोलते है ना हम लोग को बांट इतना मारेंगे देखो पकड़ के बोले साले चिकन बनता है तो खींच खींच के खाता है करेला बनाता हूँ दोबारा मांगे गिरे दोस्त उस दिन लेके जा रहा हूँ मम्मी को पता क्या आंटी चिकन बिरयानी का खिला रहे अबे टोटे ले क्या याद ना तुमको बहुत जन बोलते लेकिन वो करेला बहुत मस्त बना था कुछ भी बोलो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं बांट देना करेला लेकिन करेला कैसा बना था यार सही में बहुत अच्छा था जरा मैंने वो करेला खाने के बाद मम्मी को बोला कि हफ्ते में एक बार तो वैसा करेला बना दिया करो कि नहीं खुद बोला मम्मी कितना अच्छा करेला बना मेरे को हर हफ्ते में एक दिन करेले की ऐसी भाजी बना के देना करेला छोड़ो आ जाते हैं चिकन पे मस्त सही में बहुत मस्त बनाया मसालेदार है ये लेकिन उतना सीने पे नहीं लगता है ये मसाला जो है ना आप लोगों को दिखने में दिख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल हैवी नहीं है ना ही सीना जलेगा ना ही गला जलेगा ये एकदम तीखा नहीं है मीडियम है क्रीमी काजू का पेस्ट चार मगज का पेस्ट है दही मेंटेन करा है केचप डाली हूँ केचप का एक स्वीट बना रहा है ना सालन में अलग से आ रहा है निकल के आप लोग जरूर ट्राई करना ये और काली मिर्च भी मस्त लग रही है हाँ तो मैं बोली ना जरूर ट्राई करना काली मिर्च की तो हमने पहले स्टार्ट में ही मैरिनेशन में डाल के चिकन को लगा के रख दिए थे हर किसी का अलग फ्लेवर आ रहा है इसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सालन में माशाल्लाह कसूरी मेथी की जो भी बनाएगा ना सही में दिल से दुआ निकलेगी आपने बड़े बुड्ढों को ना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ सच्ची में बड़ों की दुआ लगती है वो खुश होते हैं कि मुझे खाना अच्छा खिलाया आज मेरी बहू ने सही बात इसलिए खाना जरूर अच्छा बनना चाहिए खाने से ही आदमी के भी दिल तक पहुंचती है और है क्या नहीं तो इसलिए खाना सबसे अच्छा मैं कैसे बताऊंगी हाँ तेरी आएगी ना अपन उसको बोलेंगे तो भाई समझ गए तो अब बताना है रोटी खत्म हो गई क्या अच्छा जब तक हाथ चालू था जब तक नहीं बोला कुछ मैं काम करता हूँ पहले मेरे हाथ पे काम रहता ना पहले काम करता हूँ करेले में काम नहीं था इसका सीधा नहीं, करेला भी हमें कच्चा कच्चा उठा के खाया हुआ है मतलब बिना रोटी का आज अपन तुम चखेंगे बोले अम्मी है ना आज तो मैं नहीं चखूंगा जरा मेरा पेट खराब है कुछ तो बहाने कर रहा था नहीं देखो मैं थोड़ा बचा अभी खा लेता हूँ कलिंगड़े वाले वीडियो में तो पूरा गायब हो गया था लेकिन अम्मी से ज्यादा तो मैं क्या कलिंगड़ वाला वीडियो जब मैंने बना के रखी थी बात पूरा मेरे पे डाल देता है चलो अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए कब करेंगे कमेंट्स करिए शेयर कीजिए और ये मुगलई चिकन जरूर बनाना घर में मेरे बोलने पे एक बार ठीक है अगर बन गया तो डेली बनाएंगे आप लोग ये गारंटी है मेरी जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो चलते हैं चलो चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय दुआओं में याद रखना अपना ख्याल रखना